एवरीवन। तो आइए प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करते हैं कक्षा 8th का वर्कबुक का लेसन नंबर 6, वर्क वर्ग और वर्गमूल। तो आपको बता दें, अब ये नए सिलेबस में लेसन नंबर 5 हो गया है। तो आइए आप शुरू करते हैं हम वर्कबुक का लेसन नंबर 5। तो आपको बता दें, पिछली वीडियो में हमने इसके जो पेज नंबर 78 तक हमने कर लिया था, आज हम 79 पेज नंबर से इस वीडियो को शुरू कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने 6 नंबर सम के इसके यहाँ तक एक पार्ट कर लिया था, आज हम इसका सेकंड पार्ट शुरू करते हैं 79 नंबर पेज से। 256.10 की पावर 2 के ज़्यादा करीब है या 20 की पावर 2 के ज़्यादा करीब है? तो अगर हम देखें, 256 है जो, वो 16 का स्केयर है, तो 16 जो है वो 20 के स्केयर के ज़्यादा करीब है और 10 के स्केयर के ये कम करीब है। यहाँ पर 4 का डिफरेंस है और यहाँ पर 6 का, तो ये 20 के स्केयर के बराबर है, तो इसलिए आपने लिख देना है 20 का स्केयर। अगला है, 10 और 20 के बीच किन संख्याओं के वर्ग की इकाई के स्थान पर 6 आएगा? तो अगर हम 14 का वर्ग करेंगे और 16 का वर्ग करेंगे तो इनकी इकाई के स्थान पर 6 आएगा। 14 का वर्ग होता है 196 और 16 का वर्ग होता है 256। तो इसके बाद अगला सम है, सोचो उपयुक्त संख्याओं में से 256 किसका वर्ग हो सकता है? तो जैसे मैंने बताया 16 का। 729 5 नंबर सम है, 20 के और 30 स्केयर में किसके अधिक पास है? तो यह 30 स्केयर के एक के पास अधिक है, क्योंकि ये 27 का स्केयर है, तो ये 27 जो है 30 के नज़दीक है। इसके बाद अगला सम है, 20 से 30 के बीच कौन कौन सी संख्याएं हैं जिनके वर्ग को इकाई के स्थान पर 9 आता है? तो 23 और 27 का वर्ग करेंगे तो इनके इकाई के स्थान पर 9 आएगा, क्योंकि तीनों तीनों 9 और 7 को गुना करेंगे तो 7 और 7 ही 49। तो अगला सम है, 7 नंबर, 729 के लिए सारणी को देखकर बताओ कि किन संख्याओं के वर्ग के इकाई के स्थान पर 9 आता है? तो हमने जो सारणी है, यहाँ पर हम 729 जैसे हैं, यहाँ पर इसके इकाई के स्थान पर 9 है। वर्ग करके अगर हम देखें तो जो संख्याएँ जैसे जिनके अंत में 7 होगा, अगर 7 का वर्ग करेंगे तो 49, और जिनके 3 होगा, 3 का वर्ग करेंगे तो 9। 7 और 3 इकाई के स्थान वाली संख्याओं के वर्ग के स्थान पर 9 आएगा। तो जैसे 37, 13, 17, 23, 27, 33, तो 37 दो बार लिखा गया, तो इस तरह हम इन संख्याओं को लिख सकते हैं। इसके आगे है, सोचकर बताओ कि 729 किस वर्ग किस संख्या का वर्ग होता है? तो 729 23 का वर्ग होता है। इसके बाद आगे है, अब इस तरह 196, 441 और 625 के बारे में सोचो। तो 196 14 का वर्ग बनता है, 441 21 का और 625 25 का वर्ग बनता है। इस तरह से वर्ग निकालने की विधि का अनुमान विधि कहते हैं। तो हमने इसको कैसे हल किया, इसके लिए हमने अनुमान लगाया। जैसे यहाँ पर 196 के पीछे 6 है, तो अगर हम देखें तो 6 जो है किन किन संख्याओं के वर्ग के पीछे आता है? जिसके पीछे 4 हो और जहाँ जिसके पीछे 6 हो। तो हम 6 का 16 का वर्ग देख चुके हैं, 256 होता है, तो यहाँ पर 14 जो है इसका वर्ग 196 आएगा, इसीलिए 441 और 625 के लिए हमने करना है। आगे यहाँ पर हमें दिया हुआ है, पैटर्न देखो और समझो। 15 का वर्ग है जो, इसको हमने लिखा 1 × 2 = 5 × 5। तो इसमें कैसे किया मैंने आपको बता देते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों मित्रों में शेयर भी जरूर करें। पहले जो है 1 को 2 के साथ गुना किया है, फिर 5 को 2 बार गुना किया है। तो जैसे 1 को 2 के साथ गुना किया और 5 को 5 के साथ गुना किया, 1 को 2 के साथ गुना किया, 2 आ गया, तो ये 5 × 5 = 25 आ गया। इस तरह अगर हम 25 का करेंगे तो इसको 2 को अगले अंक 3 के साथ हमने गुना कर देना है, और फिर 5 को 5 के साथ, तो ये हो गया 3 × 2 = 6 और ये 5 × 5 = 25। तो ये एक ट्रिक बन गया है आपके लिए, एक पैटर्न बन गया है। जैसे अब 35 का निकालेंगे हम, तो 35 के लिए क्या करेंगे हम, 3 को 4 के साथ गुना कर देंगे और 5 को 5 के साथ गुना कर देंगे, तो ये 4 × 3 = 12, ये 5 × 5 = 25 आ जाएगा। इस तरह आगे ये जो संख्याएं लिखी हुई हैं, 45, 55, 65, 75, 85, 95, तो इनके लिए भी इस तरह लागू होता है ये। तो इस तरह अब अगर हम बात करें 95 की, तो आपको एक और करके दिखा देते हैं। तो 95 का वर्ग 9 को 10 के साथ गुना करेंगे और 5 को 5 के साथ, तो ये हो जाएगा 10 × 90, 5 × 5 = 25। तो ये पैटर्न इस तरह
जैसे आगे पूछा गया, क्या यह पैटर्न 95 के आगे भी लागू रहता है? हाँ, ये 95 के बाद भी लागू रहता है। आगे है, क्या ये हम पैटर्न 14, 34 और 24 के लिए भी उपयोग कर सकते हैं? तो इसको देखते हैं, ये पैटर्न यहाँ पर लागू होता है कि नहीं। 14 का जैसे किया, तो 14 का हम कैसे करेंगे? पहले हम 1 को 2 के साथ गुना करेंगे, फिर 4 को 4 के साथ, तो ये आ जाएगा 2 × 2 14, 4 × 4 = 16। तो ये 216 आ गया। पर हम जानते हैं 14 का जो वर्ग है 196 होता है, पर इस तरह पैटर्न से 216 आ रहा है, तो ये दोनों बराबर नहीं है, तो हम इसलिए लिख देंगे नहीं, ये पैटर्न 14 पर लागू नहीं होता। इस तरह 24 का करेंगे, तो 24 को 24 के साथ गुना करने पर 576 आता है, और पैटर्न में 2 को 3 के साथ और 4 को 4 के साथ गुना करेंगे तो 616 आ जाता है। इसलिए ये 24 और 34 पर ये पैटर्न लागू नहीं होता। आप 34 के लिए भी इसको करके देख सकते हैं। इसके बाद आगे लिखा हुआ है गतिविधि एक, जब जया व अभिलाषा को खजाने का नक्शा मिला, वे नक्शे के लिए आधार पर खजाना ढूंढ रही है। इस शर्त का शर्त इसमें यह शर्त यह है कि वर्ग संख्याओं पर चलते हुए जाना है। आड़े खेड़े, यहाँ पर लिखा आड़ा खड़ा व तिरछा जा सकते हैं। आगे लिखा है यदि गलती से वर्ग संख्या पर नहीं जा पाते तो खजाना नहीं मिलेगा और दौड़ से बाहर हो जाओगे। तुम भी इस दौड़ में शामिल होकर जय और अभिलाषा से पहले खजाना प्राप्त करो, तो फिर देर किस बात की, जल्दी से खजाने तक पहुँचो। तो ऐसी एक ऐसी दौड़ तुम भी बनाओ। तो यहाँ पर एक ये हमें दिया हुआ है, इसमें हमने खजाने तक पहुँचना है। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, तो इसमें हम देखें, अगर यहाँ पर खजाना है और यहाँ से हमने 49 से शुरू किया, तो जो वर्ग संख्याएं हैं यहाँ पर 400 पर पहुँचना है पहले, फिर 900 पर पहुँचे, फिर 225 पर, और फिर 729 पर, फिर 1, फिर 64, फिर और हम खजाने पर पहुँच गए। तो ये वर्ग संख्याएं लेकर मैं यहाँ तक पहुँचा। तो इस तरह आप भी वर्ग संख्याएं लेकर यहाँ तक पहुँच सकते हैं। अगर आपको कोई और रास्ता नज़र आ रहा है तो उस रास्ते पर चलकर आप भी खजाने तक पहुँचने की कोशिश कीजिए। इसके बाद आगे 8 नंबर में दिया हुआ है, नीचे दिए गए पैटर्न को समझो और पूरा करो। एक का एक, एक में 3 जोड़ा तो 4, एक में 1, 5 और कर दिया तो 9, और इसमें 1 और कर दिया तो 16। तो ये अगर हम देखें तो जैसे 1 है जो 1 का वर्ग बन गया, 4 2 का वर्ग बन गया, 9 3 का, 16 4 का। इस तरह आगे जोड़ा 7 9 तो ये 25 5 का बन गया। इस तरह आगे 9 के बाद 11 जोड़ा तो ये 36 हो गया, जोड़ 6 का बन गया। इस तरह 11 के बाद 13 और जोड़ा तो ये 7 संख्याएं होगी, 7 का वर्ग बन गया, यानी 49 हो गया। इस तरह यहाँ पर हमें दिखाया भी गया है हमने कौन सी संख्याएं लेनी है, विषम संख्याएं लेनी है। तो विषम संख्याओं का जोड़ जो है वो जो है जितनी प्रथम विषम संख्याएं होंगी, जैसे 5 विषम संख्याएं हैं तो इनका योग 5 के वर्ग के बराबर 25 आएगा। इस तरह अन्य संख्याओं के लिए भी यह नियम लागू होता है। इसके बाद आगे लिखा हुआ है दी गई सारणी से तुम किस निष्कर्ष पर पहुँचे, जितनी क्रमगत विषम संख्याओं को हम जोड़ेंगे उनका योग उस प्राकृतिक संख्या के वर्ग के बराबर होगा। तो आगे लिखा हुआ है पैटर्न देखते हुए बिना गुणन के लिखो, जैसे 4 की 3 और 3 की 3 है जो, तो ये 7 के बराबर लिख दिया, क्योंकि इनको हम दोनों को अगर जोड़ दें 4 और 3 को तो ये 7 आ जाएगा। इस तरह एक और है, 4 का वर्ग कर दें और 3 का वर्ग कर दें और 16 में से 9 माइनस कर दें तो भी 7 आ जाएगा। तो हम पैटर्न यहाँ पर जोड़ वाला बनाते हैं, जैसे 9 और 8, 9 में 9 के वर्ग में से 8 का वर्ग माइनस करेंगे तो 17 आता है, 9 और 8 को जोड़कर लिख देंगे। 11 वर्ग माइनस 10 का वर्ग, तो इन दोनों को जोड़ेंगे 11 और 10 को तो 21 आ जाएगा। 17 वर्ग माइनस 16 का वर्ग, तो इनको जोड़ेंगे तो 33 आ जाएगा। आगे 21 और 20 का ये 41 आ जाएगा जोड़। तो इस तरह आगे हमें यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या तुम बिना वर्ग निकाले नीचे दिए प्रश्नों के योग में बदल कर परिणाम निकाल सकते हो? तो जैसे हमने ऊपर किया उसी तरह इनको भी जोड़कर लिखना है। 4 का वर्ग और यहाँ पर वर्ग की जगह पर वर्ग संख्याएं तो सेम हैं, पर प्यारे बच्चों ये ऊपर वाली विषम मतलब जो संख्याएं थी इनमें एक एक का अंतर था, अब यहाँ पर दो दो का अंतर आ रहा है, 4 से 2, फिर 6 से 3 में 3, 3 का आ गया, 8 से 5 में, इस तरह जो अंतर है इनमें अलग अलग है। तो इनके लिए हमने क्या करना है, जो हमने पैटर्न अपनाना है उसमें हमने जो ये प्रथम संख्या 4 है इससे आगे संख्या हम 5 लेंगे और इससे आगे जो अग्नि विषम संख्या 7 है दोनों को जोड़ देंगे तो 12 आ जाएगा। इस तरह आगे यहाँ पर 6 है तो 6 के आगे विषम संख्या 7 लेनी है, फिर 9 क्योंकि यहाँ पर अंतर 3 है तो एक संख्या और लेंगे, 11 लेंगे, तो इनको जोड़ेंगे तो 27 आ जाएगा। इस तरह 8 का वर्ग माइनस 5, तो यहाँ पर 3 का अंतर है तो अगली 8 से आगे हम 3 संख्याएँ जो है विषम संख्याएँ जो है 9 को छोड़कर हम 11 से शुरू करेंगे, 11 13 और 15 लेंगे, इनको 39 आ जाएगा जोड़। इस तरह
दस का वर्ग है और माइनस छः का वर्ग है, तो हम यहाँ पर छः जो है चार संख्याएं लेंगे, यहाँ पर अंतर चार है, तो तेरह से शुरू करेंगे, तेरह का पंद्रह और सतारह उन्नीस इनको जोड़ेंगे तो ये 64 आ जाएगा। इसके बाद आगे 82 नंबर पेज है, यहाँ पर लिखा हुआ है क्रियाकलाप दो, आओ संख्याओं के साथ खेलें, कोई भी दो संख्याएं लो उनका योग आर और घटाओ का गुणन एक कागज़ पर लिखो, अब चुनी हुई संख्याओं के वर्गों के घटाओ निकालो, क्या ये कागज़ पर लिखी हुई संख्याओं के बराबर हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है चलो संख्या तीन और चार के साथ यह क्रिया करके देखते हैं, तीन और एक सॉरी, तो तीन और एक को जोड़ेंगे चार आ जाएगा, अब तीन का वर्ग करेंगे नौ, अब इसको हमने घटाना है, तीन में से एक को घटाया तो दो आ गया, अब हमने जो है यहाँ पर एक का वर्ग लिखा एक आ गया, अब तीन और एक को जोड़ा और तीन एक को घटाया तो ये चार गुणा दो आठ आ गया। अब हमने जो संख्याएं ली थी तीन और एक इनका वर्ग करके देखा, तीन का वर्ग नौ, एक का वर्ग एक, और अब इनको घटाया तो ये भी आठ आ गया, यानी जो संख्याएं हैं उनका जोड़ और घटाओ उनके वर्ग के जोड़ और घटाओ के बराबर होगा, तो उनके वर्गों के घटाओ के बराबर होएगा। देखिए आगे हम एक सम करके देखते हैं, यहाँ पर आठ नंबर सम में लिखा है, सॉरी नौ नंबर में लिखा है, निम्न संख्याओं का यह सत करके देखो, दो और चार लिया तो पहले हम चार और दो को जोड़ेंगे, फिर चार में से दो माइनस करेंगे तो छः गुना दो बारह आ जाएगा, अब चार का और दो का वर्ग करेंगे, चार का वर्ग सोलह और दो का वर्ग चार तो ये बारह आ जाएगा, तो ये बराबर आ गया। इस तरह तीन और पाँच के लिए आपने देखना एक बार जोड़ के एक बार घटा के, तो ये आठ गुना दो सोलह आ गया, अब इनका वर्ग किया तो पच्चीस माइनस नौ ये भी सोलह आ रहा है, तो ये बराबर आ रहे हैं। इसके बाद आगे लिखा हुआ है अगर हम एक संख्या की जगह ए और दूसरी की जगह बी लिखें तो क्या ये सत्य होगा, तो हाँ ये ए प्लस बी ए माइनस बी ब्रैकेट में और बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होगा, यह सत्य है। उक्त संबंध का उपयोग करते हुए नीचे रिक्त स्थान भरो, तो ये पहला तो पूरा लिखा हुआ है, दूसरे में चार की दो माइनस दो की दो है तो एक बार इनको माइनस करके लिख दिया, एक बार प्लस तो ये दो गुना छः बारह आ गया, अब दस की दो माइनस चार की दो तो दस में से चार माइनस किया गुना दस में चार जोड़ा तो ये छः गुना चार चौरासी आ गया है। इसके बाद आगे है कुछ, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों मित्रों में शेयर भी जरूर करें। ऐसे अन्य उदाहरण लेकर समय करो, तो जैसे मैंने 9 माइनस 9 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग लिया तो इनको एक बार जोड़ा एक बार घटाया और गुणा की तो ये 65 आ गया। इस तरह 12 की 2 माइनस 7 की 2 ली तो 12 में से 7 माइनस किया और फिर प्लस किया तो ये 5 गुणा 19 95 आ गया। तो आगे यहाँ पर लिखा हुआ है अभी हमने देखा कि चार के वर्ग का मान 16 है, चार का वर्ग 16 है, किसी संख्या की घात 2 हो तो उस संख्या को उसका वर्ग कहते हैं, जैसे चार का वर्ग तो 16, इसको हम चार की घात भी बोल सकते हैं, तो चार संख्या 16 का वर्गमूल है, उल्टा जो है चार है जो संख्या 16 का वर्गमूल है, अंत 16 की 1/2 इसको लिखेंगे हम बराबर चार, तो किसी संख्या की घात का 1/2 उस संख्या का वर्गमूल होता है, तो आपने इसको ध्यान से देखना है, जैसे 25/1 की 2 तो यानी 25 का इसको हम बोलेंगे वर्गमूल 5, तो इस प्रकार हम इसको इस ऐसे भी लिखते हैं 25 का वर्गमूल, ये अंडर रूट यानी वर्गमूल का साइन है, 25 का वर्गमूल बराबर 5। तो आगे लिखा है इसी तरह से यदि किसी संख्या के जैसे स्थाई की 1/3 को हल करने पर 3 × 3 × 3 बराबर 3 प्राप्त होता है, तो इसे हम स्थाई का घनमूल पढ़ते हैं, 3 × 3 में हम 3 के का घन कर रहे हैं और स्थाई की 1/3 में घनमूल कर रहे हैं। तो आगे यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे दी गई संख्याओं के अलावा जगुणन खंड करो, उनके दो दो जोड़े बनाओ, तो जैसे 64 के यहाँ पर ये गुणन खंड है जो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 तो इनके दो दो जोड़े बनाएंगे, तो इस तरह से ये 2 × 2 × 2 यानी 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8 तो ये 64 का वर्गमूल आ जाएगा 8। तो इस तरह आपने इनके जोड़े ही बनाने हैं, यहाँ पर 121 के बनाए 11 × 11, 12 का बनाया 81 का बनाया 3 × 3 × 3 तो दो जोड़े बन गए 3 के, इस तरह 49 का बनाया तो 49 का एक जोड़ा बन गया 7 × 7 और 256 का बनाया तो ये 2 × 2 ये यहाँ पर चार जोड़े आ गए। तो आगे लिखा है क्या ये वर्ग या संख्याएँ पूर्ण वर्ग संख्याएँ हैं, हाँ, तो जिन संख्याओं के जोड़े बन जाते हैं पूरे पूरे प्यारे बच्चों वो पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं। अब इन संख्याओं के वर्गमूल लिखो और बताओ कि संख्याओं में उनके वर्गमूल के गुणनखंडों में क्या संबंध है। संख्या में प्रत्येक गुणनखंड 2 बार आता है, वर्गमूल में प्रत्येक गुणनखंड 1 बार आता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो संख्या का जब हम गुणनखंड करते हैं तो यहाँ पर 2-2 बार आया है, और जब हम वर्गमूल करेंगे तो वर्गमूल में हम जैसे मैं आपको एक सम का इसका बताऊँ तो यहाँ पर हम 2 में से 1-2 लेंगे, इसमें से भी 1-2 लेंगे और इसमें से भी 1-2 लेंगे और इसमें से भी
एक तो हमने दो दो में से एक एक बार दो ले लिया, दो दूनी चार, चार दूनी आठ दूनी 16 जो है 256 का वर्गमूल आ गया है। इसके बाद आगे है, अब नीचे दी गई संख्या क्या है, जगरूण खंड करो, उनके दो दो जोड़े बनाओ। आठ के हमने जगरूण खंड किए दो गुना सताई के किए, तीन गुना तीन, 75 के किए तीन गुना पाँच, 363 के किए तीन गुना ग्यारह। क्या भैया संख्याएँ पूर्ण वर्ग संख्याएँ हैं तो मैंने नहीं लिखा है, इसका कारण ये है प्यारे बच्चों, यहाँ पर दो दो के पूरे जोटे नहीं बन रहे, जोड़े नहीं बन रहे, जैसे यहाँ पर एक दो शेष रह गया। अब आगे देखें तो यहाँ पर तीन में एक जोड़ा बन रहा है पर एक शेष रह गया, इस तरह यहाँ पर पाँच का एक जोड़ा बन गया तीन शेष रह गया, यहाँ पर 11 का बन गया तीन शेष रह गया, तो इसलिए यहाँ पर पूरे पूरे जोड़े नहीं बन रहे, तो हमने नहीं लिख देना है, ये पूर्ण वर्ग संख्याएँ नहीं हैं। अब यहाँ पर आगे लिखा हुआ है, इन संख्याओं में प्रत्येक को कौन सी छोटी से छोटी संख्या से गुणा करने पर जिससे वे पूर्ण वर्ग संख्याएं बन जाएंगी। तो पहले में जैसे हमारे पास संख्या जो है जो आठ था, तो हम आठ को अगर हम दो से गुणा कर देंगे तो ये 16 है, जो चार का पूरा पूरा चार का वर्ग बन जाएगा। इस तरह 27, 75 और 363 हैं, जो अगर हम देखें तो इनमें अगर पीछे मैं आपको दोबारा से दिखाऊँ तो इनमें अगर हम देखें 27 में एक तीन कम है, यहाँ पर भी 75 में एक तीन कम है और 363 में भी एक तीन कम है, तो इनको अगर हम तीन से गुणा करेंगे तो ये पूर्ण वर्ग संख्याएं बन जाएंगी। तो हम यहां पर 27, 75 और 363 को तीन से गुणा करेंगे। तो आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर जरूर करें। तो इस जो आगे है हम 11 नंबर समझे, यहाँ से इस वीडियो को अगले पार्ट में शुरू करेंगे 84 नंबर पेज से। थैंक यू वेरी मच।